Organizing principles. How we can use these principles to organize the learning experiences so that they can give us the required impact of broadening and deepening of concept areas. Now let's take an example of the same interdependence of human beings or people upon each other जो हमने प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया था. बच्चों को ये मालूम पड़ गया कि किस तरह से दूसरे बच्चे उस पर डिपेंडेंट हैं और किस तरह से वो दूसरे बच्चों पर या अपने पेरेंट्स पर, रिश्तेदारों पर या दूध वाले पर डिपेंडेंट होता है. ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में बच्चा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले और हम ये चाहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ये एक ऑर्गेनाइजिंग थ्रेड के तौर पर काम करे, तो हमें ये कोशिश करना होगी कि जब हम इसको अगले ग्रेड में पढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ाया जाए कि अब उन लोगों की का नंबर बढ़ा दिया जाए जिन पर हम डिपेंड करते हैं. सो इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ पीपल, कितने लोग हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, अपने रिक्शे वाले से लेकर, सब्जी वाले से लेकर, दूध वाले से लेकर, जूते बनाने वाले तक, हम हर शख्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो इट्स ए वाइड रेंज ऑफ पीपल. सो चाइल्ड विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ही वॉज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द क्लासमेट्स जस्ट टू अरेंज ए लंच टेबल और अपॉन पेरेंट्स टू डू हिज होमवर्क. अब वो ये समझना शुरू कर देगा कि ये एक या दो अफराद नहीं है जिन पर हम डिपेंड करते हैं, या ये अफराद सिर्फ स्कूल और घर में नहीं बल्कि घर से बहुत बाहर भी लोग हैं जिन पर हम डिपेंड करते हैं. सो वी इंक्रीज द रेंज ऑफ पीपल एंड दैट्स हाउ वी डीपन दिस कॉन्सेप्ट. सेकेंड वे कुड बी दैट वी कैन एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट बाय लुकिंग इन टू विद व्हाट रिस्पेक्ट वी आर डिपेंडेंट अपॉन द पीपल. हमारे कौन कपड़े बनाता है, हमारे लिए बुक्स कौन लिखता है, बुक्स कहाँ पर प्रिंट की जाती हैं, स्कूल बैग्स कहाँ पर से आते हैं, खिलौने कौन बनाता है. सो हर शख्स अपने काम की वजह से जो हमारे लिए चीज़ें तैयार की जाती हैं अहमियत का हामिल होता है. सो इन मिसालों के साथ और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चे फर्दर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते चले जाते हैं और करिकुलम में एक कंटिन्यूटी के साथ सीक्वेंस भी डेवलप हो गया है. और जब हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज में इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेस करते हैं सो दैट किड्स कैन डेवलप ए यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, तो हम इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं. सो बीइंग करिकुलम डेवलपर आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आप किस कॉन्सेप्ट या आइडिया या वैल्यू को लेकर ऑर्गेनाइजिंग थ्रेड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ग्रेड टू ग्रेड जब आप करिकुलम डेवलप करते हैं तो किस तरह से हमें ये कोशिश करनी है कि इस कॉन्सेप्ट को फर्दर गहराई तक डेवलप कर दिया जाए ताकि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस इफेक्टिवली हो सके. सो द चाइल्ड इज लर्निंग इन टू वेज. वन, वी से नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, वी आर डिपेंडेंट अपॉन, एंड दीज आर द वेज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जब हम किसी भी करिकुलम में कंटिन्यूटी, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ये तमाम क्राइटेरिया हम शामिल करते हैं विद रेफरेंस टू लर्नर्स. हम ये चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, सीक्वेंस होना चाहिए ताकि एक डीपेंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, इंटीग्रेशन इसलिए चाहिए कि बच्चा एक यूनिफाइड व्यू डेवलप कर सके किसी भी चीज के बारे में. लेकिन ये चीज समझना निहायत ही जरूरी है कि ये तमाम चीजें उस शख्स के लिए बिल्कुल बेमायनी हो जाती हैं जिनको इन तमाम चीजों का पहले से इल्म है, और वो आप हैं या कोई भी एजुकेशनल एक्सपर्ट हो सकता है. जब हम चीजों को बच्चों के रेफरेंस से तरतीब देते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बिल्कुल फर्क होता है, और जब हम किसी एक्सपर्ट या करिकुलम डेवलपमेंट के रेफरेंस से इन तमाम चीजों की तरफ देखते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल बिल्कुल ही फर्क होता है. और बिल्कुल इसी के लिहाज से फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को भी मुख्तलिफ तौर पर क्लासीफाई किया जाता है. सो हाउ डू वी सी ऑल दीज थिंग्स फॉर द लर्नर्स? वी से लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी सच that there is a repetition or there is a recurring effect so that kids can learn better. And
These are the curriculum elements. यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हम curriculum elements कहते हैं तो हमारी मुराद concept हो सकती है, skill हो सकते हैं और dispositions या values हो सकती हैं. Sequence increasing the depth and breadth of any concept or any curricular element or any skill which we want to develop among students. So ये तमाम चीज़ें हम बच्चों के reference से तरतीब देते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जब हम integration की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक increased unity of behavior बच्चे की develop हो जाए उस curriculum element के बारे में जो भी हमारे लिए एक थ्रेड का काम करता है, जो integration का काम भी करेगा और organizing का भी काम करेगा हमारे करिकुलम के लिए और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए. सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर. अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इस तरह से तरतीब देते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए और हम ये चाहते हैं कि इनको बच्चों के रेफरेंस से तरतीब दिया जाए, तो हम इसको एजुकेशन की टर्म में कह सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रहे हैं. बच्चों की साइकोलॉजी के मुताबिक लेसन्स को तरतीब देना या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को तरतीब देना, एनेबलिंग देम दैट दे कैन डेवलप ए लिंक बिटवीन एंड अमंग द आइडियाज, दे कैन सी द सीक्वेंस इन आइडियाज एंड स्किल्स, एंड दे कैन ऑल्सो लर्न बेटर बाय रिपीटिंग थिंग्स. All these things, they are being organized with the reference to psychological needs of the students. So, being curriculum developer, जब हम curriculum develop करें तो हमें ये जहन में रखना होगा कि हम जब तमाम criteria की बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि organizing principles को properly follow किया जाए, तो हम basically बच्चों की psychological needs को satisfy करने की कोशिश कर रहे होते हैं.